हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सुभाष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फैक्ट बूस्टर। तो दोस्तों, आपने कई प्रकार के मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज एक ऐसे मंदिर की सैर कराने जा रहा हूं जहां पे भूतों की फटके हाथ में आ जाती है। क्या बोला तूने? तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। बालाजी मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। हिंदुओं में हनुमान जी को बालाजी भी कहा जाता है। मेहंदीपुर बालाजी श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी कल्याणकारी माना जाता है। श्रद्धालुओं का ऐसा विश्वास है कि यहाँ एक ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं जिस वजह से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जिसके इतिहास से जुड़ी एक कहानी काफ़ी प्रचलित है। इस मंदिर में तीन देवता लगभग 1000 साल से यहाँ विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि अरावली पहाड़ियों के बीच हनुमान भगवान की मूर्ति अपने आप बनी हुई है। इसे किसी कलाकार की ओर से नहीं बनाया गया। साथ ही माना जाता है कि इस मंदिर के पुराने मेथ को एक सपना आया था। सपने में उन्होंने तीन देवता को देखा, जिसे बालाजी के मंदिर निर्माण का संकेत माना जाता है। जहाँ मेथ जी को यह आदेश दिया गया कि वे सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, जिसके बाद से यहाँ भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई और फिर बाद में तीन देवता वहाँ स्थापित हो गए। इस मंदिर में जाने के बाद लोगों ने अपने आसपास अलग ही तरीके का वातावरण महसूस किया। हालांकि ये गांव गर्म वातावरण में स्थित है, लेकिन मान्यता है कि यहाँ जाने के बाद आपको अपनी बैक स्पाइन में एक ठंड का एहसास होगा। दूसरी चीज, आप यहाँ कभी भी जाएं, भीड़ कम नहीं मिलेगी। बाकी मंदिरों की तरह आप यहाँ किसी घंटियों की आवाज़ नहीं सुनेंगे, बल्कि आप यहाँ आदमी और औरतों के तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनेंगे जो आपको डरा सकती है। हालांकि माना जाता है कि ये सभी धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी एक प्रक्रिया है। माना जाता है कि हनुमान जी सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। यहाँ आप मंदिर के बाहर देखेंगे कि दुकानदार कुछ चीज़ें देते हैं जिसको आपको अपने शरीर पर 5 बार उतारना होता है और फिर इसे आग में डाल दिया जाता है, जिसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना की जाती है। यानी संकट मोचनी लोगों का तरण द्वार है। कहा जाता है कि ये जगह कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आपको डर भी लग सकता है। इस मंदिर की बनावट आप अपने इसकी कहानी कहती है। यहाँ 4 चैम्बर बने हुए हैं। पहले 2 चैम्बर हनुमान जी और भैरव जी की मूर्ति दिखाई देगी, जबकि आखिरी हॉल में बहुत सारे महिलाएं और पुरुष दिखाई देंगे जिन पर प्रेत का साया बताया जाता है। इनसे जुड़ी धार्मिक प्रक्रियाएँ इस कक्ष में दिखाई देगी। जब भी यहाँ से जाने के लिए तैयार हो तो याद रखेगी, आप कोई भी खाने की चीज़ जैसे प्रसाद या पानी की एक भी बूंद वापस लेने कर आए। यहाँ लोगों से बात नहीं की जाती और उन्हें छुआ भी नहीं जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत से लोगों में प्रेत होते हैं।